भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सुशासन दिवस का आयोजन किया जाता है, उसी मौके पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको ले चलते हैं। दूसरी लहर आई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 12 टाइम 15 टाइम हो गई, कोई देश नहीं पहुंच सकता। वो ठीक है, उस वक्त हमने जो प्रयास करने थे कहे, दुनिया भर से क्रायोजेनिक ट्रेलर लाए और उसको पहुंचाया, रेलें चलाई, हवाई जहाज से पहुंचाया, निपट गया। अब फ्यूचर में ऐसी दिक्कत आती है तो क्या है, अब हमने तय कर लिया कि 100 से ज्यादा जिनके पास बेड है वो हर एक अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा देना और वो अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर कर देना। कभी भी कोई भी महामारी आएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो इस देश के अंदर कभी भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो सकती। इसको कहते हैं आपत्ति को अवसर में बदलना, इसको कहते हैं समस्या का, मूलभूत समस्या का निवारण की दिशा में काम करना। ये सारी चीजें अपने आप में टुकड़ों टुकड़े में हो सकती है, मगर नीति निर्धारक वही है जो एक पद्धति के साथ एक के बाद एक के बाद एक जोड़कर, एक लड़ी जोड़कर समग्र समस्या का समाधान करे, और वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पांचवी चौथी चीज है जवाबदेही और संवेदनशील तंत्र। कोविड आया, कोविड से ढेर सारे लोगों का, रोज कमाकर रोज खाने वाले लोगों के जीवन पर बड़ी बड़ी दिक्कत आ गई। एक ठेला चलाने वाला, एक लॉरी से मटेरियल ढोने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, एक किराए की टैक्सी चलाने वाला, वो तो शाम को उसी से खाता है जो दिन में कमा लेता है। लॉकडाउन हो गया, वो क्या खाएगा? दुनिया की कोई सरकार ऐसे समाधान नहीं ढूंढ पाई, बहुत छोटी छोटी आबादी वाले देश भी नहीं ढूंढ पाए। हमारी 130 करोड़ की आबादी और 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे, सरकार ने तुरंत ही निर्णय लिया 80 करोड़ लोगों को जब तक कोविड समाप्त नहीं होता है 25 किलो अनाज प्रति माह सरकार की ओर से देंगे, और उसकी समस्या का समाधान कर दिया।